पढ़ें, और इस सेशन में मैं क्या क्या शेयर करूंगा। मैं गुरु जी की महिमा शेयर करूंगा, मैं अमृत वेला शेयर करूंगा, सुखमनी साहिब की महिमा शेयर करूंगा, गुरु जी ने जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ और जो मेरे आसपास जितने लोग हैं उनके साथ हुआ, गुरु जी की असल चीज क्या थी। गुरु जी हर चीज को कहते थे, कोई भी संगत है ना वो असल चीज नहीं मानती, तो वो असल चीज क्या है आज हम वो करेंगे। और कल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रों के लिए कई लोग व्रत रखते हैं, तो गुरु जी का उस पर क्या था और उससे रिलेटेड एक सत्संग है बहुत प्यारा सा, मैं वो भी शेयर करूंगा और एंड में हम शुक्राना करेंगे। सो विल स्टार्ट। गुरु जी का जो मंदिर है वो भक्ति माइंस में है, जो कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 11 किलोमीटर है। जो संगत वहां जाती रहती है उनको तो पता ही होगा कि वो वहां पर है। वो राधा स्वामी सत्संग हॉल के जस्ट नियर बाई है। तो जब आप बड़े मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग जाते हैं शू स्टैंड पे। शू स्टैंड पे आप अपना जोड़ा उतारते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़े स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप एंट्रेंस में आते हैं। एंट्रेंस में गुरु जी के जो सेवादार होते हैं, अंकल होते हैं जिनको गुरु जी ने सेवा दी हुई है, ये हमारी सेवा है, उनके लिए भी शुक्राना। आज मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, और सबका सारी सेवादार जो भी पूरे सेवादार है उन सबका शुक्राना और गुरु जी का भी शुक्राना। तो जो संगत है जो वहां आती है, पहले वो वहां आती है, उसके बाद उनको जो पहले दर्शन मिलते हैं वह साक्षात गणेश जी के मिलते हैं, और उनका जो कलर है वो ग्रीन है। और आपको पता है वो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन क्यों मिलते हैं? सब अपना लॉजिक लाते हैं, पर जो मेरा लॉजिक है इसके रिलेटेड, वो लॉजिक जो मेरा है इसके रिलेटेड वो ये है, क्योंकि वह प्रथम पूज्य देव है, क्योंकि उन्होंने यह उपलब्धि खुद ही हासिल की थी। आप लोगों को स्टोरी पता होगी, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। एक बार सारे देवताओं में रेस लगी कि हु विल बी द बेस्ट, मतलब कौन प्रथम पूजे होगा। तो सबने हिस्सा लिया, सब लोग पूरी पृथ्वी का, और उन्होंने बोला जो पूरी पृथ्वी का पूरे वर्ल्ड का सबसे पहले राउंड लेके आएगा वह प्रथम पूज्य देव होगा। और सबको पता ही होगा वो कौन थे, वह गणेश जी थे। उन्होंने पूरी पृथ्वी की नहीं, पूरे वर्ल्ड की नहीं, हर एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स ही सारा सब कुछ होते हैं, पूरा वर्ल्ड होते हैं, वैसे ही हमारे लिए गुरु जी हैं। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स की मतलब शिव जी पार्वती जी के राउंड लिया एंड प्रूफ किया, और उनको ये उपलब्धि मिली, और उनको विघ्न हर्ता भी कहा जाता है। तो जो भी सबसे पहले गुरु जी के द्वार जाता है, गुरु जी उसके सारे विघ्न हर लेते हैं, कैसे, गणेश जी की दर्शन करवा के, उनका आशीर्वाद दिलवा के। तो आपका विघ्न तो जब आप वहां पहुंचे आपके विघ्न तो पहले ही हर रहे, तो कोई लॉजिक तो है ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद आती है उनकी समाधि। समाधि समाधि एक उनका फूल स्वरूप है, मतलब वह अभी भी हमारे साथ है, पर वो जा चुके हैं, मतलब यहाँ से हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में नहीं है। जो संगत है उनके साथ तो वो दिल में है, हर पल है, अब वो हर जगह है, ही इज एवरीवेयर, यूनिवर्स में है, वो एक यूनिवर्स है, वो लाइट है। वो कहते थे मैं एक लाइट हूँ, मैं लाइट से रूप लेके आया हूँ, किसके लिए, अपनी संगत के लिए। कलयुग में, कलयुग में क्यों आया है? सिर्फ पुराण में भी इसका श्रेय मिलता है, क्योंकि तो भगवान शिव ने बोला था कि जब इस धरती में पाप भरेगा तब मैं आऊंगा। तो वो हमारे साथ साथ प्रथम पूज्य देव है, वो आए हैं अपनी संगत को तारण वास्ते, तारण वास्ते। तो ये सब है, फिर आप उनका फूल स्वरूप आप उनके दर्शन करते हैं, फिर आप थोड़े आगे जाते हैं तो आपको जल प्रसाद मिलता है। वो जल प्रसाद नहीं होता, वह एक अमृत है जो आपको दिया जाता है, जो आपके ट्रस्ट है, छोटी छोटी प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है, उसे ठीक करने के लिए, प्योर करने के लिए आपको। फिर आप आगे जाते हो, फिर आगे आपको 5 स्पीयर्स मिलती हैं जो आप चढ़ते हो। वो 7 ग्रह हैं, वो ग्रह हैं, गुरु जी कहते थे शनि राहु, ये जो ग्रह है हमारी कुंडली में, उनको सही करने के लिए गुरु जी ने वो स्टेयर्स बनाई है। जब हमने उनको पार कर लिया तो हमें कोई ग्रह से तो डर ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कोई ग्रह ग्रह तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जो हमारे ज्योतिषी होते हैं वो कहते हैं ग्रह ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, भाई हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, जिसके साथ 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 भगवान है, गुरु जी है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और गुरु जी कहते थे ज्योतिषी के पास नहीं जमचित, चलो हम उसमें बाद में आएंगे, बट अभी हम जो चल रहे हैं तो हम आगे जाते हैं। उसके बाद हमें गुरुदेव, हमारे भगवान,
हमारे परम पिता परमात्मा के दर्शन मिलते हैं, परम पिता परमात्मा के, उनके सामने जाके आपको कुछ मानना नहीं है। क्योंकि गुरु जी कहते थे मंदो नहीं मानो, क्योंकि अगर आपने, वो कहते थे अगर तुम्हें मेरे पास आकर भी कुछ मांगना पड़े, तुम्हें कुछ बताना पड़े, तो मैं गुरु किस बात का, क्योंकि वो तो जानी जान है इस धरती पे, वो सिर्फ अपनी संगत को तारण वास्ते आए हैं, तो हम उनके पास जाके क्यों बोले, क्यों कुछ बताएं, ये हो गया वो हो गया, मतलब उनको तो अगर वो भगवान है मतलब है, तो वो कहते थे कि तुम, मैं बताने की जरूरत क्या है, तुम आओ मेरे पास लंगर चको, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि उनको तो यहाँ पे आना था, कल्याण करना था, और वो आए भी और कल्याण भी किया, आज भी हो रहा कल्याण, उनकी संगत तो ऐस भी करती है। गुरु जी का एक बहुत अच्छा दैलो था, कल्याण कितना, ये संग, ये जो सत्संग में शेयर कर रहा हूँ ना, ये सुनने वाले का भी भला है और जो बताता है उसका भी भला है, टू वे साइड, टू वे। सो इसको आपको एज अ ब्लेसिंग लेके चलनी है, ब्लेसिंग, क्योंकि ये ब्लेसिंग है, इसमें आपको आपके आंसर मिलेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स है आपको उसके सोल्यूशंस मिलेंगे, और यही है। तो ऐसे गुरु जी का, उसके बाद लास्ट में जब शब्दवाणी खत्म चलती है, फिर खत्म होती है, फिर आपको लंगर प्रसाद मिलता है। लंगर प्रसाद का भी एक रूल है, थाली चार जनों के लिए होती है, क्योंकि गुरु जी कहते थे फॉर मी एवरी वन इज इक्वल, टू प्रूव दैट पॉइंट, बिकॉज हम ह्यूमन बींग, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम फलाना धमकाना ये होता है, बट फॉर गुरु जी एवरी थिंग इज इक्वल, क्योंकि वो तो भगवान है। एक्चुअली हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, हमें कोई रिलीजन से नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज हम सबके अंदर से एक ही ब्लड है, वो है राइट, सो वी शुड स्टिक टू इट। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, कि गुरु जी का मंदिर कैसा है, क्या है। और आजकल काफ़ी संगत आजकल वो कर रही है, कहते हैं हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते, बड़े मंदिर नहीं जा सकते, तो गुरु जी तो आपके घर में है, आपके दिल में है, आप उनको याद कीजिए, आपको आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। चलो इसमें भी हम बाद में आते हैं। अब अगला जो मेरा सत्संग है वो ये है कि गुरु जी कहते थे कि असल चीज़ कोई मेरे से मनता ही नहीं है। अब वो असल चीज़ क्या थी, बहुत लोगों ने पूछा असल चीज़ क्या है, किसी को पता है असल चीज़ क्या है? क्योंकि तो गुरु जी ने ये बोला मेरे से मनगो मत मानो, पहली बात तो ये, वो मानने को क्यों कहते थे, क्योंकि वो चाहते थे अगर तुमने मुझसे कुछ मांग लिया और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हुआ, पर तुमने मांग लिया तो मुझे देना पड़ जाएगा, वो परमानेंट नहीं रहेगा। वो ये कहते हैं कि तुम, वो चीज़ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ परमानेंट रहे, तुम्हारी ब्लेसिंग हो, खजाना हो तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए खजाना लेके आऊँ। पर हम लोग क्या लॉजिक में ढूंढते रहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें कार दे दो, हमें हाउस दे दो, हमें फलाना दे दो, हमें धमकाना दे दो, मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा वो काम नहीं बन रहा। ऐसे बंदों जो गुरु जी के पास आते थे, गुरु जी ऐसे लोगों को कहते थे किंतु परंतु टाइप लोग। मैं किसी को ज़्यादा नहीं बोल रहा, क्योंकि असल चीज़ तो क्या थी, मोक्ष, जो कि सबको मानना चाहिए, मोक्ष जो है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी पे जन्म हुआ है, हम इतनी योनियां लेकर मनुष्य जन्म में आए हैं, उसका बेनिफिट क्या है कि हम नाम जप सकते। सबसे पहले गुरु जी ने बोला सबसे असल धन है नाम जपना, गुरु चिंतन करना। अब लोग कहते हैं मैं चिंता में हूँ, मेरे से नाम नहीं जपा जाता, अरे चिंतन करोगे तो ये तो चिंता जाएगी, चिंतन चिंता में रहोगे तो कोई सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, चिंतन करोगे आपको सोल्यूशन मिलेगा। एक सुखमणि साहब में एक लाइन भी है, प्रभु के सिमरन रिद्धसिद्ध नो निध, ये वो पंक्ति है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप 40 दिन अमृत वेले छोड़ो। गुरु जी कहते थे अमृत वेला कुछ नहीं होता, जो आपने मेरे साथ टाइम बिता लिया वही आपके लिए अमृत वेला है। सो ये 40 दिन मैं आपको कहता हूँ ये वाली लाइन, और हमारा सबसे बड़ा जो हम गुरु परिवार का सबसे बड़ा धन मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। कोई भी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो, बड़ा सा बड़ा आपको प्रॉब्लम आ रही हो, सिर्फ आपको सिर्फ क्या बोलना है, 5 मिनट का मंत्र जाप करना है, आपकी सारी प्रॉब्लम ऐसे जाएगी कि आपको समझ नहीं आ रहा अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पर आपने क्या किया, आपने मंत्र जाप किया, सबसे पहले आपने मंत्र जाप किया तभी तो आपकी प्रॉब्लम गई। मंत्र जाप में वो शक्ति है जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो चिंता छोड़ के चिंतन करो, मंत्र जाप करो और हमारे गुरु जी का गुणगान करो।
अब आगे बढ़ते हैं सत्संग। सत्संग क्या है? सत्संग में मैंने यहाँ शेयर करने आया हूँ, 2 घंटे की शब्दवाणी चलती है। सत्संग क्या है? सच का सन। पहले गुरु जी क्या है? गुरु जी वो है जो हमें एक क्या कहते हैं नेगेटिविटी से निकालते हैं, डार्कनेस ऑफ आर लाइफ रिमूव करते हैं। तो सत्संग में जाने से हमारी वो जो नेगेटिविटी होती है उसे दूर करना, इसलिए हमें सत्संग का महत्व, तो हम मैं ये मानता हूँ कि सत्संग वो है जो हमें सारी प्रॉब्लम, देखो ऑब्स्टिकल्स तो हर एक की लाइफ में है, मेरी लाइफ में है, आपकी लाइफ में है। देखो कोई भी इस धरती पे आया है वो कोई राम जी नहीं रह पाए, उनकी लाइफ में भी इतने ऑब्स्टिकल्स थे पर उन्होंने सब कुछ किया ना, क्योंकि पर कहते ना सब राम से बड़ा, राम का नाम बनाए सारे बिगड़े का। उसी तरह जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नाम जपो, नाम जपो, बस यही है। तो यही सत्संग करो, और सबसे पहले शब्दवाणी, शब्दवाणी, शब्दवाणी क्या है? जो गुरु जी कहते थे जो आपका कीर्तन होता है, आपकी शब्द में कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए आप गुरु जी का नाम लेके बोलो मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम, मन ही मन बोलना आपको। और उसके बाद आपको कोई भी गुरबानी, कोई भी यूट्यूब है या आप किसी ग्रुप में हो, आप वहां जाओ, आप वो शब्द चलाओ, आपको आंसर ना मिले तो कहना ये मैंने जमाया हुआ है, क्योंकि मेरे गुरु जी कहते हैं मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकल देखो हम इंसान हैं, हम लोग ना लॉजिक में लग रहते हैं, थ्योरी थ्योरी, पर गुरु जी कहते हैं जब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें दिखा रहा हूँ, गुरु जी कहते थे कि जो धरती है ना, धरती जो इंसान है वो कुछ भी ऐसे नहीं मानता, उसको बस अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, बस ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी कहते थे सबका सोचो, बीन आपको ये लाइफ मिली है, अपना भी अच्छा करो, सबका अच्छा करो, पूरी संगत, पूरे गुरु परिवार को गुरु जी ने अपने साथ जोड़ के रखा है। इसलिए ये जो परिवार है ना, ये हमारा गुरु जी का ये सचखंड है। गुरु जी कहते हैं मैं धरती पे एक शिवलोक छोड़ के जा रहा हूँ, जो भी इधर आएगा उसको यहाँ की ब्लेसिंग, गुरु जी के जो मंदिर है ना वहाँ पे जो कार्पेट है ना, वो तो ब्लेसिंग ना इतनी सारी है, इतनी सारी, पर मिलती पता किसको है? जो बिरला दिल से उसे चाहता है, कहते नहीं है सतगुरु सतमार्ग दिखाए कोई बिरला ही उसे पाए। उसी तरह, उसी तरह आपको सत्संग करना है। और सबसे ज्यादा गुरु जी महत्व देते थे शब्द वाणी को, वो 2 घंटे की वाणी, वो 2 घंटे का सत्संग आपको अंदर से शुद्ध करता है, अपने नेगेटिविटी ही निकालता है, आपको गुरु जी से जोड़ता है। क्योंकि गुरु जी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरु जी का मेन फोकस क्या था? डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कोई मीडिएटर बीच में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले गुरु जी ये चाहते थे कि सब जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन ही हमें आगे बढ़ाता है। आपने कभी ये देखा, आपने कभी देखा प्रहलाद जी जो कृष्ण जी के भक्त थे उन्होंने किसी को ढूंढा, या फिर मीरा जी कृष्ण जी की जो भक्त थी उन्होंने किसी को ढूंढा, राम जी ने सबरी के बेल खाए पर क्या सबरी ने किसी को ढूंढा? पर आजकल हम लोग क्या है, हमें कोई बंदा मिल जाए, अरे जब तुम्हारे पास साथ साथ भगवान रहता है तो हमें कोई बंदा क्यों चाहिए, क्यों चाहिए तुम्हें कोई बंदा? चिंतन करो, सब छोड़ो, उनके पास जाओ, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही देंगे, उनका तो काम है। मतलब आप अगर उनको दिल से याद करोगे, देखो गुरु जी कहते थे आप, कोई लोग कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो राम जी को मानता हूँ, कोई कहता है मैं नहीं जाऊंगा मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं साई को मानता हूँ, अरे एक ओमकार, ओमकार में सब बसते हैं, ओमकार में ही राम रहीम अल्लाह सब है। वो गुरु जी कहते थे तुम मुझे जिस रूप में याद करोगे मैं उस रूप में आऊंगा, याद तो करो, सिमरन तो करो, सिमरन करने से ही सब मिलता है। गुरु जी कहते थे सत्संग सेवा सिमरन, ये 3 चीजें जिसने अपना ली ना वही इस दुनिया को पार कर सका है। ठीक है, अब आप सबको ये लग रहा होगा कि मैं सत्संग सेवा सिमरन में या डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी ने हमें सिखाया है कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, और सबको ये बोला गया। अब आप कई बोलते थे, कोई आता है मेरे पास, एक फ्रेंड आता है मुझे कहता कि मेरी ये प्रॉब्लम, मैंने उससे बोला एक बार चल ले भाई तेरा ये काम बन जाए, तो वो नहीं माना, मैंने बोला चल ले चल ले, फिर मैं जैसे तैसे उसको समझा बुझा के चला गया, पर वो गया, उसका वो काम भी हुआ। पहली बार गया, ऐसा नहीं है कि पहली बार जाने में किसी का काम नहीं होता,
पर उसका वो वाला काम भी हुआ, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, तो उसका वो काम भी हुआ। तो ये क्या होता है, गुरु जी कहते हैं, गुरु जी पहला काम तो आपको कर देते, फिर आपको झुंडना पड़ता है, सब पर नींबू की तरह निचोड़ते हैं। देखो महापुरुष को पाना इतना आसान थोड़ी ना होता है। वी आर चूजन वन, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें ऐसे अकाल मूरत मिले हैं धरती पे, जिन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा है, जिन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा है। आप हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, वी आर नथिंग, पर हम अगर सत्संग करेंगे, हम अगर उस बंदे को भगवान से, गुरु से जोड़ेंगे। मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है ना, मैं उसे बोलता हूँ भाई गुरु जी का दर्शन कर, गुरु जी का सत्संग कर, गुरु जी का नाम जप, तेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि वी आर नथिंग टू हेल्प एवरी एनी वन, क्योंकि हम किसी की मदद कर ही नहीं सकते, हमें खुद को मदद की जरूरत रहती है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज तो रहते हैं ना, तो इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन। और कई लोग मेरे पास आते हैं अमृत वेला, अमृत वेला, मैं अमृत वेला के खिलाफ नहीं हूँ, वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में आपका माइंड इतना सेट होता है कि आप कोई भी चीज ना अच्छे से कर पाते हो, बस दैट्स इट, तभी उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। पर ऐसा नहीं है कि कोई लोग नहीं कर सकता और वो कहता है मेरा ब्रह्म मुहूर्त, मेरा अमृत वेला नहीं हो रहा। मेरे पास काफी लोग आते हैं अमृत वेला हो, अरे अमृत वेला क्या है, गुरु का वेला। अमृत वेला मेरे लिए है क्या, गुरु का वेला। जब आपको गुरु का साथ मिला, गुरु का संग मिला, वो मेरे लिए अमृत वेला है। जो लोग नहीं कर सकते भैया, दिन में आप 1 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड, मेरा तो 1 सेकंड दे रहे हो, आपने डायरेक्ट कनेक्शन बनवा लिया ना आपके बल्ले बल्ले। जय गुरु जी। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो है असल चीज, असल चीज है मोक्ष, जिसको आपको लेना है। शब्द वाणी का महत्व भी मैंने बता दिया कि उसमें आपके सारे आंसर मिलते हैं। मैक्सिमम टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिर्फ शब्द वाणी सुनो और आपको सारे ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम का ना गुणगान मत करो। गुरु जी का बहुत प्यारा भजन है, सोनिया आंटी ने गाया है, शुक्र करा, शुक्र करना सीखो। जिस दिन आपने अपनी लाइफ में शुक्र करना सीख लिया ना, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आएगी तो ऐसे जाएगी। गुरु जी अपने संगत परिवार है ना, उनकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हैं, कोई ना कोई आप मिलता ही है आपको। आप अजमा के देख लो, एक बार अजमाना जरूर। उसके बाद मैं आपको ये कहूंगा कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके कोई भी आपको टाइम मिले, कोई भी 1 मिनट भी, आपको क्या करना है, सिर्फ नाम जपना। अब आते हैं नवरात्रि, कल से शुरू हो रहे हैं। मेरे पास मेरे एक दो फ्रेंड से लास्ट टाइम क्या हुआ था, उन्होंने बोला, मैं उनको बड़े मंदिर लेके गया तो बोला मेरा व्रत है। मैंने उनको एक सत्संग शेयर किया जो मैं आप लोगों के साथ भी करना चाहूंगा। मैं इसलिए आज ये शेयर कर रहा हूँ कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। ये सत्संग है, गुरु जी जब अपने गड्ढे में बैठते थे तो वहां पे एक आंटी आती थी, उनका ना व्रत था। तो गुरु जी ने उन्होंने उनको गुरु जी ने बोला लंगर चखो, क्योंकि गुरु जी की तो ब्लेसिंग है, इतने बड़ी बड़ी डिजीज, कैंसर, मलेरिया, कुछ भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, कुछ भी आपका सही हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम आपकी बीमारियां ही होती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की आपकी हर प्रॉब्लम सही होती है, पर आपको फेथ होना चाहिए अपने भगवान पे, अपने गुरु जी पे फेथ होना चाहिए। और यही फेथ सबसे बड़ी चीज है जो हर एक को सही राह दिखाता है, तारता है, तारता, तारनहार है फेथ अपने भगवान पे, अपने गुरु पे, परमात्मा पे। तो हम नवरात्रि के उसमें आते हैं जहाँ थे, तो वो आंटी को गुरु जी ने बोला, अब सेवादार को बोला इन आंटी को लंगर चुकाओ। उन्होंने इग्नोर कर दिया, वो पीछे जाके बैठ गई। वो सेवादार ने एक बार बोला, उन्होंने नहीं सुना, वो भी आगे चले गए। 10-15 मिनट बीते, फिर उनके पास वो मैसेज आया, गुरु जी ने देखा इनको, इनको वो करवाओ लंगर, फिर वो नहीं सुना। ऐसे से रहते 2-3 बार गुरु जी ने बोला, फिर लास्ट में गुरु जी ने बोला उठ खड़ी हो मेरे को ला, गुरु जी ने बोला। उन्होंने बोला क्या हुआ, कहते तू लंगर क्यों नहीं चली, कहते मेरे नवरात्रों के व्रत चल रहे। गुरु जी ने उनको कुछ नहीं बोला, उन्होंने गुरु जी ने बोला एक काम कर किचन में जा। बोलो वो किचन में गई, किचन में उस समय पता कौन था, 7 देवियां खाना बना रही थी। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिए उन आंटी को, और वो आंटी ने सीधा क्या किया, दर्शन करके गुरु जी के पास आई। गुरु जी के पास आई, गुरु जी को बोला
कि अंदर गुरु जी ने बोला तू रोट और ये अंदर क्या देखा सबको बता, क्योंकि गुरु जी का ये था कि कोई भी सत्संग और कुछ भी हो वो सबके साथ शेयर करवाते थे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो सुनाता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी भला। तो ये फिर उन्होंने आंटी ने सब बताया कि मैंने यहाँ पे ऐसे देखा, तो गुरु जी ने बोला ये जो प्रसाद है ये प्रसाद की महिमा है, इसलिए मैंने आपको बताया, कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए आप कम करवा लें, पर वो प्रसाद है ना बड़े नसीब वालों से मिलता है। आपको पता है देवता भी आते हैं गुरु जी के मंदिर में, वो प्रसाद चखने, इतना अच्छा महत्व है और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है उससे, तो आप ऐसे प्रसाद का अनादर कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने बताया मुझे वहां पे देवियां मिली, कहते मेरे लिए देवियां क्योंकि वो तो अकाल मूर्त है साथ साथ महादेव है सदाशिव है, तो उन्होंने यही बोला कि वहां पे देवियां बना रही है, तो उन्होंने वहां पे बैठ के लंगर चखा। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा आप व्रत रख रहे हो, पर अगर आप किसी सत्संग में जाते हो, आजकल वैसे ऑनलाइन ही ज्यादा होता है, पर बाई चांस अगर आप लोग कहीं जाते हो तो प्लीज नवरात्रि करके आप ये मत सोचिए कि मेरा व्रत है, क्योंकि वो प्रसाद है तो आप उसे ग्रहण कीजिए। और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, जय गुरु जी संगत जी। आगे आप लोग जो नए जुड़े हैं, गुरु जी का मंदिर के टाइमिंग्स में शेयर कर देता हूँ, मंडे को सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक खुलता है और थर्सडे टू संडे खुलता है, पर अभी बंद है कोरोना की वजह से, अभी बंद है बड़े मंदिर। और जो दुबड़ी में पंजाब में मंदिर है वो फर्स्ट संडे खुलता है, तो आप लोगों में से कोई भी जाना चाहे तो वो जा सकता है। और जाते जाते मैं सबको यही बोलूँगा, सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि अकाल मूर्ख से जुड़िए, चिंता मत कीजिए, चिंता चिता है, चिता चिंता चिता है, तो यही बोलना चाहूँगा। और आप सबको जय गुरु जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे यहाँ सत्संग शेयर करने का मौका मिला। अगर गुरु जी मुझे दोबारा मौका मिलेंगे तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर सॉरी करना चाहूँगा। अभी सॉरी अभी जय गुरु जी। और जाते जाते मैं आप सबसे बस यही विनती करूंगा कि अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है आप लोग घर में ही रहें और जितना हो सके गुरु जी का ध्यान धरें और सबके लिए ब्लेसिंग मांगे, और जो भी मुसीबत में है उनके लिए भी प्रे करें, क्योंकि कभी भी एक की प्रे लगे ना लगे, अगर आप जॉइंट प्रे मतलब म्यूचुअल प्रे करते हो तो वो लगती ही लगती है। इसलिए जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, सब पे मेहर बनाए रखना, अपनी संगत को अपने साथ रखना, पूरे गुरु परिवार की तरफ से मैं आप सबको शुक्राना देना चाहूँगा, गुरु जी को शुक्राना देना चाहूँगा मुझे आज एक सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी।